हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफ एफ न्यूज। एक बार फिर से लाइव आ चुका हूँ आपके साथ। तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि एडवोकेट किशोर आनंद का अगला स्टेप क्या होगा, क्या वो जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आपकी उनसे मुलाकात कैसी रही, कैसे इंसान है, क्या करेंगे आगे, क्या उनके पास कोई सबूत है, या फिर वो पीछे हट जाएंगे, या डर गए हैं, या फिर बहुत सारे सवाल पब्लिक पूछ रही है, उनके चाहने वाले पूछ रहे हैं। किशोर आनंद ने बहुत सारे कड़े सवाल उठाए, जैसे कि उन्होंने लाइव वीडियो में भी कहा था कि हमने कड़े सवाल पूछे तो इसलिए मुझे जेल। एडवोकेट किशोर आनंद से मेरा कोई ये ऐसा मिलना नहीं था कि आप आओ मैं मिलूँगा। मैं अपने काम के लिए आया था, वो अपने काम के लिए गए थे। लेकिन अचानक आपने देखा होगा मैं लाइव था वहाँ पर, तो अचानक किशोर आनंद ने आके मुझे पहचाना, अरे आप राशि। तो फिर मैंने भी उन्हें पलट के देखा तो देखा, रहे तो किशोर आनंद। तो ऐसी हमारी मुलाकात हुई, एक्सीडेंटली हमारी मुलाकात हुई, कोई ऐसी नहीं थी, हमने कोई प्लान नहीं किया था, ये हमारी मुलाकात ऐसे ही हुई किशोर आनंद के साथ। और एडवोकेट किशोर आनंद का बहुत सारा एडवोकेट किशोर आनंद का कहीं ना कहीं सवाल है पहले से। और किशोर आनंद ने ही मुझे बताया कि वो तलोजा जेल में कुछ दिन रह के आ रहे, अर्नब गोस्वामी को जहाँ पे रखा गया था, और उन्होंने अर्नब गोस्वामी से भी मुलाकात की थी, ऐसा किशोर आनंद का कहना है। उन्होंने मुझसे कहा, किशोर आनंद का ये भी कहना है कि मैं इस चक्रव्यूह में गया था कि इस चक्रव्यूह को तोड़ पाऊँ। लोगों को लगता है कि किशोर आनंद डर गए हैं, लेकिन मैं डरा नहीं हूँ, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। और किशोर आनंद ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। किशोर आनंद ने ये भी कहा कि मेरे अपने ही, ऐसा मतलब मानना है कि मेरे अपने ही मेरी बातें को वहाँ तक पहुँचाएँ, और मुझसे चलने वाले अपने ही लोग, यानी कि जो सुशांत सिंह राजपूत के वॉरियर नहीं, अपने ही लोग मेरी बातों को वहाँ तक पहुँचा के, चुगली करके अरबाज खान तक मेरी बातें पहुँचा के, यहाँ पहुँचा के मुझ पर ये FIR करवाया और मुझे जेल में जाना था। किशोर आनंद आई थिंक ये केस उनका चलता रहेगा, उनके लैपटॉप आई थिंक मोबाइल कोर्ट में, और वो कोर्ट से लेंगे। फिलहाल दिल्ली चले गए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई तो दिल्ली चले गए हैं वो, और वो अगले मंडे को फिर से साइबर क्राइम ब्रांच आएंगे हाजिरी लगाने के लिए। तो ये है हाल किशोर आनंद का। और आपने अगर लाइव वीडियो मिस कर दिया है तो आप देख लें, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे किशोर आनंद से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं। आपको किशोर आनंद से पर्सनली मिल के मुझे अच्छा लगा, बुरे इंसान नहीं है किशोर आनंद। सुशांत के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं ईमानदारी के साथ खुद के नज़रों में अच्छे कहने के लिए होता है ना, अच्छे लोग कहें मुझे मैं लड़ रहा हूँ के लिए लड़ाई, तो इतनी रिस्क लेके उन्होंने ये काम किया है, जिनकी सज़ा उन्हें मिली 20-22 दिन उन्होंने जेल में बिताया आई थिंक इस तरीके से। तो सुशांत के बहुत सारे ग्रुप बन गए उनके फैंस के कि वो आनंद फ्रॉड है ऐसे वैसे, खैर उनकी अपनी सोच है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किशोर आनंद को जिस तरीके से लोग नेगेटिविटी कर रहे हैं, मैंने भी इनफैक्ट कहा था किशोर आनंद को लेकर कि किशोर आनंद ने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी कराई है। हालांकि मैंने मुझे उन्होंने आज क्लियर किया कि मैं जानबूझकर गिरफ्तार नहीं हुआ हूँ। कौन जानबूझकर गिरफ्तार होता है यार, कौन किसका मन है कि वो घर से वो मुंबई आके 20-22 दिन जेल में आके रहे, कौन चाहता है? क्या जेल में रहने में कोई मज़ा है सलाखों के पीछे? तो उनका क्लियर था ये सब कहना। और बाकी उनके स्टेटमेंट छपे हैं कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी पे और बाकी चैनलों पे ब्लेम डाल दिया है। तो इसके बारे में भी किशोर आनंद कहते हैं कि मैंने इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं अर्नब गोस्वामी से, मतलब उनके रिपोर्टर से इन्फ्लुएंस होके ये सारी बातें कही। तो ये एक रूमर है कि मीडिया वाले ने कुछ भी छाप दिया, बहुत सारी चीज़ें। बाकी मैं मुंबई में हूँ, कल मुझे फिर जाना है, और पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं आपको अपडेट करूँगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, किस तरीके कंटेंट आप तक पहुँचाऊँगा इस चैनल के माध्यम से। लेकिन हाँ, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि मैंने आई थिंक ब्लूटूथ एयरफोन लगाया है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा है, तो मैं चिल्ला के नहीं कह सकता हूँ ना, बहुत सारे लोग बैठे हैं तो इसलिए हो सकता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट उठाएँ और थोड़ा सा एफर्ट लगाएँ, हेडफोन यूज़ कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाए। किशोर आनंद को आप देखते हैं कि जनता वैसे ही सपोर्ट करती है या नहीं करती है, ये तो आने वाले वक्त पता लगेगा। खैर, हम भी यहीं रहेंगे और आप भी यहीं रहेंगे, लेकिन किशोर आनंद के बारे में
टेक से हैं, अब आगे क्या होता है, व्यूअर अनंत किस तरीके से आगे अपने ऑडियंस से बात करते हैं, क्या क्या फैक्ट्स और रखते हैं, क्लियर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि व्यूअर अनंत मर चुके हैं। तो आज आई थिंक 22 दिन बाद मेरे चैनल पर व्यूअर अनंत को लोगों ने देखा, तो बहुत सारे लोगों ने थैंक यू भी कहा इसके लिए कि आपने व्यूअर को दिखा दिया। मुझे पता नहीं था व्यूअर यहाँ पर मौजूद है, व्यूअर से मैंने लाइव में बात की, फिर मैं अंदर गया जब मेरी बात हो रही थी वहाँ पर, जब मुझे पूछे जा रहे थे कि आपके पास कहाँ से ये सारे सोर्स आ रहे हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पे व्यूअर आनंद मेरे साथी थे, वो अपना काम कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम बात भी कर रहे थे, तो अच्छा लगा व्यूअर आनंद से बातचीत करके। मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा, मुझे व्यूअर आनंद ठीक लगे कहीं ना कहीं, और एक तो काफ़ी ज़्यादा उनको हंसी भी मुझे आ रही थी कि बताओ व्यूअर आनंद मतलब वहाँ से यहाँ उनकी गिरफ्तारी, और अभी वो बात कर रहे हैं, अभी भी वो हारे नहीं है, वो कह रहे हैं इस चक्रव्यूह को मैं तोड़ूंगा, उनका दावा है, तो देखते हैं कि अब इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं, क्या और फैक्ट्स जनता के सामने रखते हैं। सुशांत का केस तो वैसे ही अब डब्बा बंद हो गया है, तो अब देखते हैं कि इस डब्बे बंद को क्या वो फिर से निकालते हैं या फिर नॉर्मल सब कुछ हो जाए, ये तो हमें आने वाला वक्त पता लगेगा। आप बताएँ, अगर न्यूज देखते रहें, आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट प्यार बनाए रखें, और आप लोग अगर मुंबई से हैं तो आप लोग मिल सकते हैं मुझसे, ऐसा बहुत सारे लोग कहना है कि आप मिलते नहीं हैं, आप मिल सकते हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है मिलने में, बस थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ, फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा, अच्छे से आपसे बातचीत करूँगा। तो आप पर्सनली, मैंने एक तो कमेंट भी किया था कि अगर कोई स्ट्रगलर एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, उनका कोई मुद्दा है तो मुझसे मिल सकता है, और मुझसे मिल सकता है क्योंकि मैं इस कंटेंट पे बात करूँगा, स्ट्रगलर एक्ट्रेसेस के साथ यहाँ क्या हो रहा है, कैसे बॉलीवुड में काम मिलता है, क्या करना पड़ता है, क्या क्या रास्ते से गुजरना पड़ता है, ये सारी चीज़ों के लेकर मैं बात करूँगा आने वाले वक्त में। तो अगर आप जितने भी मुंबई में रहते हैं, आरामनगर या कहीं भी, अगर आप स्ट्रगलर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आप एक्टर हैं, जो भी हैं, आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि एक वक्त पे मैं भी यहाँ ऑडिशन दिया करता था यही आरामनगर की गलियों में, हालांकि मेरा कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा कभी प्रयास नहीं किया, देखते हैं क्या लगेगा।